कृष्ण कन्हैया आज जामवंत जी की कामना को पूर्ण करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। आखिरी में राम जी सरकार का दर्शन हुआ और अपनी पुत्री जामवंती का हाथ कृष्ण कन्हैया के हाथ में दे दिया और जामवंती के साथ में वो जो मणि थी उस मणि को भी दहेज के रूप में प्रदान कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जामवंती को साथ में लेकर के कृष्ण कन्हैया पधारे, सत्राजित राजा को श्यामंतक मणि प्रदान करी। राजा शर्मिंदा हुए तो सत्राजित राजा की एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्यभामा, और सत्यभामा का हाथ सत्राजित राजा ने द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया और पुनः वो मणि कृष्ण कन्हैया को प्रदान कर दी। भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ में। बोलो द्वारिकाधीश की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह हुआ विंद और अरविंद नाम के दो भाई थे जिनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा, छठा विवाह हुआ लक्ष्मणा सत्या और भद्रा। इस तरह से भगवान की आठ पटरानी हुई। द्वारिकाधीश आनंद मनाते हैं, आठ पटरानियां हो गई, आठ विवाह हो गए भगवान के। एक राक्षस भूमि से पैदा हुआ जिसका नाम था भौमासुर, और भौमासुर ने मन में विचार बनाया कि मैं दुनिया में प्रसिद्धि कैसे पाऊं। उसने विचार किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी पत्नी होगी उसको ही प्रसिद्धि मिलेगी, ऐसा दिमाग में उसने बिठा लिया। और जहां भी जाता राजाओं के ऊपर आक्रमण करता और जितनी राजकुमारियां होती उनको बंदी बना के लाता और अपनी कारागृह में डाल देता। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने अपने कारागृह में बंद कर दिया। भौमासुर की कारागृह में जितनी भी राजकुमारियां थी सभी द्वारिकाधीश को पुकार लगाती, द्वारिकाधीश को आवाज लगाती, संकट को न निवारे हरि बिना, संकट को न निवारे हरि बिना, संकट को न निवारे हरि बिना, संकट को लाज आज हे हरि हाथ तुम्हारे, संकट को निवारे, संकट को निवारे। दीन दयाल सुनो जब ते तब से मन में कछु ऐसी बसी है, कहाँ रुजाओ कहाँ बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, ए हो मुरारी पुकार कहूँ अब मेरी हंसी नाई तेरी हंसी है। संकट को निवारे हरि, संकट को निवारे हरि, संकट को निवारे हरि, संकट को निवारे। संकट को निवारे
द्वारिका नाथ सहाय करे जब द्वारिका नाथ सहाय करे जब कौन विकार करे नर तेरो द्वारिका नाथ सहाय करे जब नाथ सहाय बिगार करे नर तेरो द्वारिका नाथ सहाय द्वारिका नाथ सहाय द्वारिका नाथ सहाय जितनी भी राजकुमारियां हैं भगवान को पुकार लगाती है सुना है तारे है तुमने लाखो हमें जो तारो तो हम भी जाने हमें जो तारो तो हम भी जाने हमें जो तारो तो हम तारा अहिल्या का श्राप तुमने राजकुमारियों की तरह हम भी द्वारिकाधीश से प्रार्थना करें तारा अहिल्या का श्राप तुमने तारा अहिल्या का श्राप तुमने मिटाया सबरी का ताप तूने मिटाया सबरी का ताप तुमने हमारे भी पाप ताप भगवन अगर उबारो तो हम भी जाने अगर उबारो तो हम भी फसी भवर में हमारी नैया हे फसी भवर में हमारी नैया उतारो सागर से कन्हैया उतारो सागर से कन्हैया सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन अगर उबारो तो हम भी जाने अगर राजकुमारियां प्रार्थना करती है और मेरे गोविंद का एक नाम है दीन बंधु परमात्मा का नाम है दीन बंधु वो दीनों पर दया करने वाला है तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दीन बंधु है परमात्मा सबकी रक्षा करता है राजकुमारियों ने जब आर्त भाव से प्रार्थना की उच्च स्वर से पुकार लगाई और मेरा परमात्मा जब भाव से कोई पुकारता है तो भाव की पुकार को सुन लेता है ध्यान दीजिएगा अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम सुनीरी मेरे निर्बल के बलराम वो निर्बल का बल है
जब निर्मल भय निर्बल भय बलराम पुकारियो आयो आधे नाम सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जो व्यक्ति अपने आप में जीता है, जो अहंकार में जीता है कि मैं ही करने वाला हूँ, परमात्मा उससे कोसों दूर रहता है। लेकिन जो कहता है ये मैं नहीं करता, ये सब तो परमात्मा ही करते हैं, ये जितना भी कार्य है सब परमात्मा की कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया पर नाम मेरा हो रहा है। नाम आप मेरा कर रहे हो, ये आपकी कृपा है। मैं तो कुछ भी नहीं, परमात्मा सब करने कराने वाले आप है। जिसके जीवन में जीवन की बागडोर कृष्ण कन्हैया के हाथ में है, उसका जीवन हमारे कृष्ण कन्हैया चलाते हैं। और जिसका जीवन जिसकी बागडोर कन्हैया के हाथ में हो तो फिर कभी कुछ हो नहीं सकता। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने, आपको कथा याद होगी, महाभारत के पहले अर्जुन भी गए और दुर्योधन भी गया। दोनों ने भगवान से मांगा और भगवान ने कहा देखो भाई, मेरे पास एक तरफ तो मैं रहूंगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, अब जो इच्छा हो मांग लो। दुर्योधन ने कहा महाराज मैं पहले आया हूं, मैं पहले आया हूं तो मुझे आप पहले दोगे? बोले हाँ बताओ, तुम बताओ दुर्योधन। बोले मुझे नारायणी सेना चाहिए। और नारायणी सेना लेकर के दुर्योधन खुश होते हुए प्रसन्न होते हुए मामा शकुनि के पास पहुंचा और मामा जी को प्रणाम करके बोला मामा जी आज हमारे हाथ में विजय श्री आ गई है, आज हमारे हाथ में युद्ध हो चाहे ना हो हमको विजय हाथ में, हमारे मुट्ठी में है विजय, जीत हमारे हाथ में पक्की है जीत। मामा ने कहा क्या लाया तू? बोले मैंने नारायणी सेना मांगी है, जिसके पास कृष्ण की नारायणी सेना हो। बड़े बड़े परास्त हो जाते हैं नारायणी सेना के सामने, फिर कहां पांडवों की चलेगी। मामा ने कहा दुर्योधन आज तू छलिए के द्वारा चला गया, मैं तो समझता तू छलिया, लेकिन तू छलिया जो नटवर के पास गया था, छलिए के पास गया था, आज तू चला गया। आज तूने नारायणी सेना मांग करके जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ा अपराध तेरा हाथ हो गया, अब तुझे कोई जीत नहीं दिला सकता। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, न मतलब विजय से न सेना से मतलब, हमें कृष्ण प्यार तेरे दर्शन से मतलब, जिलाओगे जिएंगे और मारोगे मरेंगे, जिलाओगे जिएंगे और मारोगे मरेंगे, हमें कृष्ण प्यार तेरे दर्शन से मतलब, हमें कृष्ण प्यार तेरे दर्शन से मतलब, न मतलब विजय से सौंपी है बागडोर तेरे हाथ प्यारे, ले जा जिधर चाहे जीवन तेरे हवाले। हमने तो अपनी बागडोर को कृष्ण कन्हैया के हाथ सौंप दिया है, अब प्रभु सौंप के डोरी मेरे जीवन की बागडोर और मेरे रथ की बागडोर आपको हाथ में लेना है। और करना क्या चाहता हूं ध्यान देना, समर्पण भाव है। सौंप के डोरी तेरे इन हाथों में, सौंप के डोरी तेरे इन हाथों में, ए सुख से सोना चाहता हूँ रे माधव, सौंप के डोरी इन हाथों में, सुख से सोना चाहता हूँ माधव, क्या मैं ना कहूँ रे माधव, क्या मैं कराना चाहता हूँ रे माधव, क्या मैं
माधव सब कुछ कराना चाहता हूँ रे।